नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे जैसे आठ है, तो आठ के फैक्टर होते हैं दो गुणा दो गुणा दो, तो इसकी होल पावर हो गई आपके पास में छह। फिर है सात, सात का फैक्टर सिर्फ सात ही होता है या सात गुणा एक होता है, तो सात की पावर पांच। गुणा पंद्रह का फैक्टर अपन देखेंगे तो तीन गुणा पांच यानी पांच थी पंद्रह। यहाँ पे देखते हैं अपन दो की पावर छह, फिर इस दो की पावर छह लिखेंगे, फिर अगले दो की पावर छह लिखेंगे और आगे सात की पावर पांच, आगे फिर तीन की पावर चार लिखेंगे, फिर पांच की पावर चार लिखेंगे। अब जो संख्या है आपके पास में दो 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 सात तीन पांच, इन संख्याओं को इससे ज्यादा छोटा अपन कर नहीं सकते, तो जो इनकी घात है पावर है वो ही इनके टोटल अभाज्य फैक्टर होंगे। इनका अपन को क्या करना है, इनका अपन को सभी का प्लस करना है, यानी छह प्लस छह प्लस छह प्लस पांच प्लस चार प्लस चार, ये कितने हुए, छह और चार दस, दस दस बीस और ये इकतीस, तो इसके फैक्टर होंगे इकतीस। इसी प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है क्वेश्चन कि पंद्रह की पावर पांच हो इंटू छह की पावर तीन हो तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है।